नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 150 गांव के 150 खबरें। गुरु शांति धाम बेनीपुर में विशेष दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। NH57 पर तेज रफ्तार पिकअप 20 फीट की खाई में गिरी, बकरी को बचाने के दौरान हुआ हादसा। बाड़ेश्वरी स्थानीय पत्रकारों को मां की चुनरी और तस्वीर भेंट की गई। केवटी दुर्गा समिति की ओर से कलश शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों कुंवारी कन्याओं ने हिस्सा लिया। कमतौल थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने चोरी की बाइक के साथ 4 नशेड़ियों को पकड़कर जेल भेज दिया। कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुर्गा पूजा स्थलों और मंदिरों को आकर्षक बिजली की लड़ियों से सजाया गया। सदर प्रखंड के खरुआ पंचायत के इस्लामपुर गांव में महिला से छेड़खानी मामले में सदर थाना अध्यक्ष राजन कुमार ग्रामीणों के साथ बैठकर बातचीत की। कोयला स्थान दुर्गा समिति की ओर से कलश शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण और कुंवारी कन्याओं ने हिस्सा लिया। मनिगाछे स्थित सिद्धपीठ वाड़ेश्वरी भगवती स्थान परिसर में न्यास समिति के संजीव कुमार झा ने उत्कृष्ट खबर चलाने के लिए जी बिहार झारखंड के संवाददाता मुकेश कुमार की चुनरी और तस्वीर भेज की। कमतौल थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में चल रहे फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मैच में शुभंकरपुर की टीम ने मोकामा की टीम को ट्राई ब्रेकर से 5-3 से हराया। मनिगाछी स्थित शक्तिपीठ वाणेश्वरी भगवती स्थान जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने पहुंचकर मां की पूजा। प्रखंड पत्रकार संघ के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार शिवकुमार लाल दास को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। अरवल जिले के वंशी प्रखंड के माली गांव में सड़क पर पानी बहने से गली की हालत जर्जर, गली में लगा गंदगी का अंबार, पैदल चलना दूभर। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के पहलेजा पंचायत के मुखिया विमला कुमारी ने चलाया खुले में शौच मुक्त करने का अभियान। अरवल जिले के करपी प्रखंड के कयाल पंचायत के महावीरगंज गांव में नल जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के पहलेजा में दुर्गा पट खुलते ही श्रद्धालुओं की लगी भीड़, माता की एक झलक के लिए उमड़ा जनसैलाब। फारबिसगंज के रहरिया में जन अधिकार पार्टी की एक बैठक हुई, बैठक में दर्जनों महिलाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। फारबिसगंज के भरगामा में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फारबिसगंज के रानीगंज में पुलिस ने 500 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फारबिसगंज के किरकिचिया स्थित कॉलेज में अंतर महाविद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। फारबिसगंज के रानीगंज के बगुलहा में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा समेत 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। फारबिसगंज के जोगबनी से सटे हुए विराट नगर में उद्योग संघ के अधिकारियों के साथ विधायक मंचन केसरी ने बैठक की। बगाई प्रखंड के कालीस्थान और पक्की बबली स्थित मंदिरों में दुर्गा पूजा के सातवें दिन आराधना में जुटे श्रद्धालुओं ने भव्य आयोजन किया। बगा 2 प्रखंड के मंगलपुर कालीघाट के बीच रेलवे ट्रैक में दरार आने से सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कई स्टेशनों पर फंसी रही। बगा 2 प्रखंड के संतपुर सोहारिया समेत 2 गांवों में कुल 5,000 जीविका दीदियों ने विश्व हाथ धुलाई दिवस के मौके पर स्वच्छता का संदेश दिया। बगहा के दियारा के ठकराहा प्रखंड क्षेत्र के मलाही समेत श्रीनगर और मोतीपुर पंचायत में पुलिस प्रशासन ने गश्ती दल बल के को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ दौरा किया। बगहा के रामनगर प्रखंड के महतो टोला गांव में शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां के पट खुले और पूजा अर्चना की गई। बगहा के गंडक पार के 4 प्रखंडों में जिला निर्माण मंच की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चंदन मिश्रा के साथ मिथिलेश उपाध्याय जिला बनाने की मांग में समर्थन को लोगों से अपील कर रहे हैं। बगहा के रामनगर प्रखंड क्षेत्र में कुल 18 में से 2 पंचायतों को ODF घोषित किए जाने के बाद खुद BDO के साथ DDC ने 16 बची पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने की मुहिम में काम शुरू कर दिया है। बगहा के ठकराहा प्रखंड क्षेत्र में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के उद्देश्य से SHO अब्दुल माजिद ने ग्रामीणों और गणमान्य लोगों के साथ बैठक की।
बगहा के रामनगर प्रखंड के कई चयनित गांवों से स्वच्छाग्रहियों की टीम को प्रशासन और विभाग की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बगादो प्रखंड के सिधाव रातान पूर्वा में आदिवासी उरांव महासभा ने पारंपरिक तरीके से कर्मा महोत्सव और पूजा का आयोजन किया। बगा के रामनगर प्रखंड के बावल पंचायत में मुखिया के साथ वीडियो जितेंद्र सिंह ने ग्रामीणों में शौचालय निर्माण को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। बगादो प्रखंड के बोरबल सेमरा मुख्य सड़क पर पार्किंग की कमी और ऑटो स्टैंड की मांग को लेकर ऑटो चालक संघ ने सड़क जाम पर विरोध जताया। बगहा एक प्रखंड के चौतरवा पतिलार में तिरुपति चीनी मिल का गन्ना केंद्र बंद किए जाने से नाराज किसानों ने एनएच28 पर जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बगहा एक प्रखंड के चखनी अगस्तिया गांव में पुजारी की कुटिया और असामाजिक तत्वों ने जलाने की कोशिश की। बगहा एक प्रखंड के चंद्रपुर भिडारी गांव में जमीन को लेकर भाई ने सगे भाई और भौजाई को बुरी तरह घायल कर पीट डाला। नौबतपुर बाजार स्थित NH28 पर LIC ऑफिस के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में तीन शख्स जख्मी हो गए। विक्रमनगर पंचायत अंतर्गत असपुरा नगर स्थित मां वैष्णो मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और श्रृंगार का आयोजन हुआ। विक्रम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूनम सिन्हा ने विभागीय आदेश पर फोल्डर और मेगा सूची उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में सुंदरपुर चौटिया पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दुलैन बाजार थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर काशिमचक गांव के पास SH2 पथ पर पिस्तौल दिखी, बाइक सवार तीन अपराधियों ने लूट को अंजाम दिया। विक्रमनगर समेत पालीगंज दुलहिन बाजार नौबतपुर में दुर्गा पूजा के मौके पर स्थापित प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में कलाकार जुटे हैं। दीपनगर थाना इलाके के कोसुक गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। एकंगरसराय पुलिस की ओर से शराबियों और जुआरियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से लोगों में हड़कंप मच गया। आरक्षण के मुद्दे पर सवर्ण सेना के दौरान राजगीर के सिधौरा गांव के ग्रामीणों पर किए गए मुकदमा और गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीणों ने राजनेताओं के प्रवेश पर रोक लगाई। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। कला संस्कृति युवा विभाग बिहार के तत्वाधान में राजकीय महोत्सव के रूप में पावापुरी महोत्सव का आयोजन 5 और 6 नवंबर को जिला प्रशासन ने किया। जिलाधिकारी ने जिले में संभावित सुखाड़ की समीक्षा के लिए हरदेव भवन में बैठक की। ब्यास शरीफ के शेखाना मोहल्ले में ड्रीम डिजाइनर के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। विकोप अपराधियों ने बीती रात नालंदा जिले के बेन थाना क्षेत्र के कृपागंज में खेत पटवन कर रहे एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। नूरसराय प्रखंड के किसान +2 विद्यालय में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन संसदीय मंत्री श्रवण कुमार ने किया। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से ट्रक और बाइक भी बरामद। नीमगंज में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, पुलिस ने दर्ज किया केस। नीमगंज के दीपनगर थाने में मोबाइल की दुकान में चोरी, मौके से नगद और लाखों के सामान पर हादसा, पुलिस ने दर्ज किया केस। राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस अकादमी का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। 15 नवंबर तक बिल्डिंग में हर हाल में प्रशिक्षण का कार्य शुरू करने के निर्देश। नगर नौसा थाने में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, बताया जा रहा है कि बाइक का संतुलन खो जाने के कारण मृतक 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नवरात्र के मौके पर बिहार शरीफ के मंगलास्थान रोड स्थित डेफोडिल स्कूल में एक शाम डांडिया के नाम उत्सव का आयोजन किया गया। बिंद थाना इलाके के एक गांव में युवक ने 5 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। गंभीर रूप से जख्मी बच्ची PMCH में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। नालंदा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिलाव थाना क्षेत्र के नांदन गांव में छापेमारी कर गोलियों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। नालंदा जिले के ओकनामा गांव में गड्ढे से 13 साल के किशोर का शव परिजनों ने बरामद किया। ग्रामीण और परिजन शव को लेकर सदर अस्पताल आए, जहां चिकित्सकों ने मौत की पुष्टि की।
अतमलगोला प्रखंड के दौलतपुर गांव के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट पर गंदगी पसरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बख्तियारपुर प्रखंड के ग्यासपुर गंगा घाट से हरदासपुर दियारा को जोड़ने वाले पीपा पुल का निर्माण शुरू हो गया है। बाढ़ प्रखंड के पूरा गांव के पास सड़क किनारे बच्चे कीचड़ में घुसकर मछली पकड़ते दिखे। बच्चे टीचर और मछली के चक्कर में जमकर मारपीट भी करते हैं। बाढ़ के काजी चक मोहल्ले के शिव मंदिर के पास एक महिला ने अपने सीने के ऊपर कलश स्थापित किया। महिला की भक्ति भाव को देखने के लिए इलाके के लोग हर दिन दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार में लगातार बड़े बड़े नाव हादसे होने के बावजूद भी लोग उससे सबक नहीं लेते हैं। हालात ये हैं कि गंगा दियारा से मवेशी के लिए चारा लाने के दौरान लोग छोटे नौका पर जितना वजन डालते हैं वो सही नहीं है। पर्यटक नगरी राजगीर घूमने आए तीन छात्रों को जेल की हवा खानी पड़ी। छात्र रेलवे स्टेशन के बाहर गोलंबर के पास सिगरेट पीने की कोशिश कर रहे थे। दहेजोन्मूलन, बाल विवाह और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और लोगों को सामाजिक बुराई के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हाथ धुलाई दिवस के मौके पर बिहार शरीफ के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कमरुद्दीनगंज में छात्र छात्राओं के बीच कार्यक्रम आयोजित कर धुलाई से होने वाले फायदे के बारे में जागरूक किया गया। बिहार शरीफ के पहाड़पुरा मोहल्ले में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा के पट देर रात खोल दिए गए। जिलाधिकारी के निर्देश पर दुर्गा पूजा के मौके पर उत्पाद विभाग ने शराब कारोबारी और शराब पीने वाले के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। नूरसराय थाना इलाके के जगदीशपुर गांव से पिछले चार दिनों से गायब बालक का शव मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम किया और थानाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। बनियापुर प्रखंड में माँ दुर्गा के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने संध्या आरती में हिस्सा लिया। मढ़ौरा के निर्माणाधीन रेल इंजन कारखाने में किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर एक दिन का धरना दिया। मढ़ौरा के नरहरपुर में ग्रामीण महिलाओं ने सप्तमी पूजा से पहले कलश यात्रा निकाली और मां की आराधना की। मथुरा के सिद्धिदात्री मंदिर में मां का पट खुला, दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। मांझी में संदिग्ध हालत में खलासी की मौत हो गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। परसा प्रखंड विद्यालय स्वास्थ्य और स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर में हाथ धुलाई का प्रशिक्षण दिया गया। इसवापुर प्रखंड मुख्यालय पर किसान एकता मंच के सदस्यों ने फसल की मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बनियापुर में सप्तमी पूजा को लेकर उपवास पर रह रहे साधकों ने मां की पूजा अर्चना की। मनसाही प्रखंड क्षेत्र के मियापुर कुर्सेल बांधटोला साहिब नगर और बैसा गोविंदपुर समेत जैसे जिलों के 10 अति पिछड़े गांवों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से सर्व शिक्षा ग्राम के तहत हर गांव में एक एक क्लस्टर केंद्र खोला गया। कुर्सेला प्रखंड में गंदगी का लगा हुआ है अंबार। दुर्गा पूजा को लेकर क्षेत्रीय श्रद्धालु गंदगी में बिक रहे हैं, फलों को खरीद रहे हैं। फलका प्रखंड क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत के रंगा कोल मरहा टोला के पास नहर का बांध टूट जाने से दर्जनों एकड़ धान की फसलों में पानी घुस गया। मनिहारी प्रखंड दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर है। मनिहारी नगर के रेलवे कॉलोनी में दुर्गा पूजा को लेकर भव्य पूजा पंडाल बनाया गया। अग्रनगर प्रखंड के सालमारी ठाकुर बैडी में 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन हो रहा है। संघर्ष प्रखंड में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना की ओर से संचालित विद्यालय को डीएम के निर्देश पर बंद किया गया। सिवान में जीरादेई शहीद जगदेव बालिका उच्च विद्यालय के परिसर में अनुदानित शिक्षकों की समस्या और समाधान को लेकर परिचर्चा में विधान पार्षद केदारनाथ पांडे ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। धुरंधर जदी विधायक कविता सिंह ने कार्यालय पर लगे सोलर लाइट की बैटरी चोरों ने लूट ली। इसको लेकर कार्यालय इंचार्ज ने बताया कि ये लाइट कार्यालय के आसपास के दुकानदारों को देखते हुए लगाई गई थी। कचुकी अंचल के प्रधान लिपिक विगत 2 दिनों से बिना सूचना के लापता थे। लोगों की शिकायत पर सीओ ने 2 दिन का वेतन काट लिया। दरौली प्रखंड के बेलाव पंचायत के कई वार्डों में चल रहे नल जल गली पक्कीकरण शौचालय समेत कई योजनाओं की डीएम ने जांच की। जीबी नगर थाने के गंडक नहर के पास SH 73 पर तेज रफ्तार पिकअप ने एक 10 साल की बच्ची को रौंद दिया।
नवीगंज पुलिस ने मिनी ट्रेवल टूरिस्ट बस से 88 पेटी शराब बरामद की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मिनी बस से शराब का कारोबार किया जा रहा है। शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने पूरन कामा गांव में 2.5 लाख की लागत से पेयजल योजना का उद्घाटन किया। शेखपुरा डीएम योगेंद्र सिंह के सिस्टम में निर्वाचन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीएम ने निर्वाचन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। स्वच्छता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई का शेखपुरा में भी कार्यक्रम किया गया। शेखपुरा डीडीसी निरंजन झा ने विधिवत हाथ धोकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दशहरा पूजा के अवसर पर जल भरने को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु जल भरने निकले। इस मौके पर ढोल नगाड़े के साथ जल लाकर मां का आह्वान किया गया। भंडारक प्रखंड के परसामा पंचायत के कई सालों से लंबित सामुदायिक भवन का उद्घाटन स्थानीय विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने किया। 2 दिन के भीतर बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर और हाथीदास स्टेशन पर 2 महिलाओं की मौत ट्रेन से कटकर हो गई। बाढ़ अनुमंडल में इन दिनों नुक्कड़ नाटक के जरिए नशा मुक्ति और स्वच्छता अभियान की पाठ लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अतमलगोला प्रखंड के फुलेल पर पंचायत में हर घर नल का जल योजना के तहत घटिया काम किया जाने की शिकायत चारों तरफ होने लगी है। बाढ़ अनुमंडल बेलसी प्रखंड में लोगों को अधिकार और कानून की जानकारी से अवगत कराने के लिए मुफ्त कानूनी सलाहकार केंद्र की स्थापना की जा रही है। बाढ़ अनुमंडल के बालक और बालिका की टीम कबड्डी के क्षेत्र में मेहनत कर रही है। दुर्गा पूजा के मौके पर विभिन्न इलाकों में कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अनुमंडल में जमीन विवाद की बढ़ती संख्या को लेकर जिला प्रशासन ने अनुमंडल प्रशासन को थाने और प्रखंड कार्यालय में कैंप लगाकर मामले का निष्पादन ऑन द स्पॉट करने की बात कही। भंडारक प्रखंड के टाल इलाके में समुचित पटवन की व्यवस्था न होने के चलते गरीब किसानों के धान की फसल सूखकर बर्बाद होने लगी है। बाढ़नगर के दयाचक मोहल्ला स्थित बचपन प्ले स्कूल के नन्हे मुन्हे बच्चों ने दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर विद्यालय के कल्चरल हॉल में माँ दुर्गा की झांकी तैयार की। आजमनगर प्रखंड के पास बलिया बेलौन थाने की पुलिस ने 50 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मारुति वाहन से खगड़िया ले जा रहा था शराब, गश्ती के दौरान मीनापुर के पास से हुई गिरफ्तारी। मनिहारी प्रखंड में विद्युत कार्यपालक अभियंता मोहम्मद अरमान ने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और नए विद्युत कनेक्शन को लेकर जायजा लिया। विद्युत कार्यपालक अभियंता ने नगर के पार्षदों के साथ नगर पालिका कार्यालय में एक बैठक की। बरारी प्रखंड में वर्चस्व को लेकर हुए खूनी खेल पर किसान सिपाही महतो का नहीं मिला अब तक शव। दियारा के अपराधियों और मृतक किसान के शव को तलाश कर रहे 5 दिनों से थानों की पुलिस। सदर प्रखंड में बड़ी दुर्गा मंदिर में माता दुर्गा की पूजा के दौरान महिला श्रद्धालु के सोने के हाथ पर हाथ साफ कर गई और महिला चोर। सीसीटीवी में कैद हुई महिला की करतूत। अहमदाबाद प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष छट्टू चौधरी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय मंडल कार्यकारिणी की बैठक की गई। कदवा प्रखंड में करंट की चपेट में आया ट्रक पर चढ़ा मजदूर की मौके पर मौत। बालू भरे ट्रक पर था मजदूर, एक ट्रक छोड़कर चालक हुआ फरार। पुलिस ने शव और ट्रक को कब्जे में लिया। स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्ति हेतु पंचायत प्रतिनिधियों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही लोगों को घर में शौचालय बनाने की अपील की। बारसोई प्रखंड के आबादपुर थाना प्रांगण में भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार आयोजित। 3 मामले सुलझाए गए और बाकी मामलों के लिए 27 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई। आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर शहर के प्रमुख मार्गों पर गणवेशधारी स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन किया गया। तारापुर प्रखंड के कैरा पंचायत में 16 लाख से बनी 3 सड़कों का उद्घाटन विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने किया। तारापुर के थाना पुलिस ने क्षेत्र में हो रहे अवैध जुए के कारोबार पर डंडा चलाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर पुरानी बाजार स्थित पुरानी विशहरी स्थान के पास से 3 जुआड़ियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जीरादेवी प्रखंड क्षेत्र के विजयपुर मोड़ के पास मैरवा सेवान मुख्य मार्ग पर मैरवा से सेवान की तरफ जा रही ऑटो को बेकाबू होकर पलटने से 2 लोग घायल हो गए। रघुनाथपुर में किसान संगठन का विशाल प्रदर्शन, प्रखंड परिसर में किया जाएगा।
दिनादेव प्रखंड के सुरवल खेल मैदान में जिला स्तरीय सीनियर कबड्डी का उद्घाटन हुआ। पचरुखी प्रखंड के जसौली पंचायत के उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पचरुखी वीडियो को 10 पांचों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर वोट करने की मांग की गई। पचरुखी प्रखंड के बंगरा श्रीकांत निवासी पार्वती देवी ने अपना वृद्धावस्था पेंशन से नाम कटवाने के लिए वीडियो को आवेदन दिया। मीडियम के अमोई पुल के पास झारखंड जन जागृति मंच की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से मंच के संयोजक राकेश लाल जी मौजूद रहे। नारायणपुर प्रखंड के दलदला मोड़ के पास एक 12 चक्का ट्रक फंस जाने से जाम लग गया। नारायणपुर प्रखंड कोरीडी 2 की जलसहिया शहनाज बेगम ने अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर बच्चों के साथ हाथ धुलाई का कार्यक्रम किया। नारायणपुर पेट्रोल पंप के पास ऑटो और बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए, जिससे स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ता की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कुंडई प्रखंड के जनता दरबार में बीडीओ श्री गिरवर मिंज की मौजूदगी में अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस के फायदे के बारे में लोगों को बताया गया। फतेहपुर में 32 टीमों का फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर मौजूद रहे। फाइनल के विजेता और उपविजेता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कुंडहित प्रखंड विकास कार्यालय परिसर में उपायुक्त महोदय ने देश दिशा निर्देश वीडियो श्री गिरवर मिंज की अगुवाई में जनता दरबार का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार के समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने दुर्गा पूजा के पंडाल का उद्घाटन किया। प्रखंड मुख्यालय मेन रोड स्थित श्री राम मानस मंदिर के प्रांगण में नवरात्र के मौके पर मां की प्रतिमा स्थापित कर आराधना की जा रही है। किसान सिंगल विंडो सेंटर के तत्वाधान में एक दिवसीय महिला किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। देश की आजादी के बाद पहली बार पीएम मोदी ने महिलाओं के बीच निःशुल्क रसोई गैस और चूल्हा दिलाने का काम किया है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में सोमवार को कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन विधायक ने किया। विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर सोमवार को भवनाथपुर पंचायत भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों में स्वच्छता का संदेश देने और जागरूकता लाने के लिए हाथ धुलवाया गया। प्रखंड के गड़ोटा ग्राम निवासी स्वर्गीय नागेश्वर चौधरी के बेटे का निधन हो गया। 2 साल पहले हैदराबाद मजदूरी करने गया था। कांडी वीडियो गुलाम समदानी और थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने नैनाबार गांव स्थित सभी 3 दुर्गा पंडाल का निरीक्षण किया। कांडी प्रखंड क्षेत्र के घटुआ कला गांव में रामलीला का मंचन किया गया। सोमवार को समाजसेवी नरेश प्रसाद सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीसीओ गजनफर अली खान ने सोमवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड के सभी बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। गढ़वा जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष विकास कुमार स्वदेशी ने अनुमंडल मैदान में 25 कबड्डी के खिलाड़ियों के बीच ड्रेस का वितरण किया। श्रीहरि राम कथा सत्संग समिति पाले कला से श्री उपेंद्र उमा उमेश्वर महाराज के नेतृत्व में तीर्थयात्रा निकाली गई। तीर्थयात्री रविवार को सकुशल वापस घर लौट गए। कांडी प्रखंड के सरकोनी पंचायत मुखिया ने रविवार को पंचायत के दर्जनों लाभुकों के बीच स्वास्थ्य बीमा कार्ड का वितरण किया। कांडी प्रखंड के नैनाबार गांव में भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। कांडी थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह और मुखिया ने संयुक्त रूप से मिलकर फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कांडी में बीजेपी के प्रखंड कार्यकारिणी उपाध्यक्ष रविंद्र पांडे की असामयिक मौत पर कार्यकर्ताओं ने शोक सभा का आयोजन किया। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए शिवशरण सेवा संस्थान भवनाथपुर में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत।
बबनाथपुर हाई स्कूल के प्रशाल भवन में यादव महासभा महिला मोर्चा की बैठक विद्यावती यादव की अध्यक्षता में की गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्राम हारदा कला के उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में स्वास्थ्य बीमा कार्ड के वितरण की शुरुआत। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन परिसर में सीआरपीएफ जवान ने नवरात्रि के मौके पर गरीब और बेसहारा महिलाओं के बीच भोजन का वितरण किया। मेदिनीनगर कृषि विभाग में किसान दिवस के मौके पर कृषि विभाग की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। डाल्टनगंज के विभिन्न पूजा पंडालों में पलामू उपायुक्त और एसपी ने निरीक्षण किया। हरिहरगंज में विधायक शिव पूजन मेहता ने मदरसा का शिलान्यास किया। पंकी के पूर्वी सचिवालय में उज्ज्वला योजना के तहत 20 सूत्रीय अध्यक्ष शंकर प्रसाद ने 200 लाभुकों के बीच किया गैस का वितरण। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिहार झारखंड पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।